सवाल यही है, क्या आपको अपनी पसंद की सीख चाहिए या आपको ऐसी सीख चाहिए जो आपको रूपांतरित कर दे? सवाल बस यही है। तो अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं डेड सीरियस हूं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को नॉन सीरियस करना होगा, जो मुमकिन नहीं है। तो अपने आप को नॉन सीरियस करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ मूर्खता भरी चीज करें। क्या आप कर सकते हैं? तो अपने जीवन को थोड़ा ढीला कीजिए, थोड़ा ज्यादा हंसिए, खुद को आसपास के लोगों के साथ शामिल कीजिए, ऐसे काम कीजिए जो आपको बहुत जरूरी नहीं लगते, ऐसे काम मत कीजिए जो बहुत जरूरी हो, छोटे छोटे काम कीजिए। आपके लिए सीधे साधे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में बहुत जरूरी काम ही करते रहे तो आप डेड सीरियस हो जाएंगे। बर्टन रसल, जो एक अंग्रेज थे, बर्टन रसल ने कहा, अगर आपको लगने लगा है कि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो छुट्टी लेने का समय आ गया है। हर दिन 24 घंटे में आपको छुट्टी लेनी चाहिए अपनी सीरियसनेस से। सीरियसनेस इसलिए आई है क्योंकि आप खुद को बहुत अहमियत देते हैं, आप खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद को इस अस्तित्व में धूल के एक कण की तरह देखें। कल सुबह अगर आप गायब हो जाएं, तो बेशक भारत में कोई आपको मिस नहीं करेगा, कुछ मुट्ठी भर लोग याद करेंगे और वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे, है कि नहीं? कुदरत उफ करती है, आप चले जाएंगे और इस दुनिया को कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से होता रहेगा आपके न रहने पर भी। हर इंसान को अपने जीवन के हर क्षण में इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि कल सुबह आपके बिना संसार बहुत मजे से चलेगा, आप चाहे जो भी हो, है कि नहीं? अगर आप खुद को लगातार ये याद दिलाते रहेंगे तो आपके पास सीरियस होने का कोई कारण नहीं होगा, डेड होने का तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी से डेड ना हो, उसके लिए समय आएगा, अभी जिंदा रहने का समय है।